छतरपुर के नौगांव में गौशाला के तालाब से मुरम का अवैध खनन किया जा रहा था। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूर की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गौशाला के संचालक पर आरोप लगाए हैं। गौशाला के तालाब में अवैध रूप से जेसीबी मशीन की मदद से मुरम निकालकर उसे बाजार में बेचा जा रहा था। मुरम निकालते समय वहां काम कर रहे मजदूर की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटते ही गौशाला का संचालक भाग गया। मृतक के परिजनों ने संचालक संजू पाठक पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि ये लोग ट्रैक्टर में दबे मजदूर को निकाल लेते तो मजदूर की जान बच सकती थी। वहीं एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, गौशाला में मेरा भाई ट्रैक्टर चलाता था तो मुरम खदान से मुरम ले जा रहा था, तो वहाँ पे जेसीबी संजू पाठक चलवाते थे तो मुरम भी डलवाते थे, जहाँ भी डलवाना। तो भाई ट्रैक्टर लेके गया, वहाँ जेसीबी चल रही थी तो ट्रैक्टर जहाँ पलट गया तो संजू पाठक ने बता दिया कि यहाँ जेसीबी नहीं थी, वह अकेले भर रहा था ट्रैक्टर अकेले भर रहा था, अकेले डाल रहा था, वहाँ कोई नहीं था, बल्कि जेसीपी चल रही थी, वो जेसीपी से भरा गया है और जेसीपी के कारण ना जेसीपी वालों ने उठाया है ना जेसीपी से उसको बचाया है। इस प्रकार की घटना सामने आई है और थाना प्रभारी एसडीपी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।